नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ GTT ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने एंजल वन ऐप में लॉगिन कर लिया है। वॉच लिस्ट में आने के बाद में एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उस पर हमें टैप करना है, जिसे हम उस पर टैप करेंगे नीचे के साइड में बाय का ऑप्शन दिया है, बाय पर हम टैप करेंगे। बाय पर टैप करने के बाद में यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालना है। यहाँ पर मैंने 1 क्वांटिटी एंटर कर ली है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे के साइड में स्मार्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है, स्मार्ट ऑर्डर्स के अंदर हमें यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, तो उस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे के साइड में आप देख सकते हो क्रिएट GTT का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर जो है हमें इसको अनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिगर प्राइस में जो है यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जैसे कि अभी इसकी प्राइस जो चल रही है 630 के आसपास चल रही है, तो यहाँ पर हम 600 सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेट पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हो क्रिएट GTT का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, तो उस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे कन्फर्म GTT ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे GTT क्रिएटेड करके आ रहा है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो GTT के सेक्शन में हमें यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है क्वांटिटी 1 हमने सेट किया है, ये क्रिएट हो चुका है। इसकी काफ़ी अच्छी बात ये रहेगी कि ये ऑर्डर जो चलेगा अभी यहाँ पे आने वाले एक साल तक रहेगा। जब भी स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 600 पे आ जाएगी, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप यहाँ पे इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि ये ऑर्डर जो है आप मार्केट बंद जब रहता है, जब भी आप इसको लगा सकते हो, चालू मार्केट में भी लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।